सब्सक्राइब कीजिए टेक ऑनलाइन जॉब यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को व्हाट्सएप की कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप सभी के सभी लोग चौंक जाएंगे, और जब आपके फ्रेंड इस सेटिंग को देखेंगे तो वो भी एकदम चौंक जाएंगे। कौन सी सेटिंग है, कैसे करनी है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, पूरा आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक ऐसी सेटिंग के बारे में, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, जहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करते ही व्हाट्सएप लिखा आता है, आप देख लीजिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे देखो एक पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे आप किसी की भी चैट को हाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो मेरे सामने यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर मैंने सेलेक्ट किया, सोन सिंह राजपूत, ठीक है, और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद हाइड चैट, तो मैं जब हाइड चैट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक पासवर्ड तैयार करूँगा तो यहाँ से वो चला गया है। अब वो कहाँ पे गया है, अब मैं यहाँ पे थ्री डॉट दोबारा व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा, क्योंकि अब मैंने उसकी चैटिंग को हाइड कर दिया। और जब वो मुझे मैसेज करेगा तो मुझे ऊपर में नोटिफिकेशन आएगा रिसीव ए न्यू मैसेज, ऐसा नहीं आएगा अगर वो हेलो भेजेगा, हेलो लिखा हुआ नहीं आएगा। तो ऐसे आप किसी का भी चैट हाइड कर सकते हैं, ये आपको एकदम बढ़िया अपडेट लगा होगा। अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पे आप थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और आपको ये कौन सी व्हाट्सएप में मिलेगा, ये इसके लिए आपको जीबी व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है, कैसे करना है ये भी बता दूंगा। तो आपको यहाँ पे जीबी सेटिंग पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको प्राइवेसी सेटिंग में जाना है। अभी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे जो ये ऑप्शन है फर्स्ट वाला लास्ट सीन वाला, अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आपका लास्ट सीन बिल्कुल हाइड हो जाएगा जिस समय भी आप करोगे, जैसे कि अभी 7:30 हो रखे हैं, ये हो जाएगा। और दूसरा है यहाँ पे आपकी प्राइवेसी सेटिंग, जैसे कि आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई मैसेज करे और उसके फ़ोन अगर आप उसको सीन कर लें, और आप चाहें कि आपने उस मैसेज को सीन भी कर लें और आगे वाले को ना पता चले, तो आप इसको कर सकते हैं हाइड ब्लू टिक, और एक से दो टिक आ जाते हैं तो आप इसको भी हाइड कर सकते हैं, ओनली सेकेंड टिक रहेगा। और दूसरा माइक्रो, अगर आपको किसी का वॉइस आता है या आप किसी को वॉइस भेजते हो उसका भी आपको कोई भी ना अपडेट मिले, ठीक है, और यहाँ आप इसको भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जैसे कि आप टाइप कर रहे हैं किसी को पता ना चले कि आप टाइप कर रहे हैं या नहीं, इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। हाइड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं आगे वाले को पता ना चले, तो आप इन सभी चीज़ों को हाइड कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। फिलहाल मैं नहीं करना चाहता तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और आगे मैं बता देता हूँ ग्रुप सेटिंग, अगर आप ग्रुप में भी यही सेटिंग कर सकते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि आप टाइप कर रहे हैं या नहीं, और आप क्या कर रहे हैं, मैसेज को सीन कर रहे हैं या नहीं, कुछ भी ना पता चले, तो आप यहाँ पे वही मेन सेटिंग कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिंग्स देखने को मिलेगी, आप इसको ऑन रखिएगा ऑटो डिलीट मैसेज, जब भी आपका कोई फ्रेंड आपको मैसेज करता है और उसको डिलीट कर देता है तो आपके पास यहाँ पे वो मैसेज शो होने लग जाएगा। और यहाँ पे शो आफ्टर रिप्लाई, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टेटस को भी आप हाइड कर सकते हो, जैसे कि अगर आप किसी का स्टेटस देख कर आते हो तो आप इसको भी हाइड कर सकते हो, आपको बाद में वो अगर उसका व्यू भी करेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। और ऑटो डिलीट स्टेटस, अगर कोई स्टेटस डाल के डिलीट कर देता है बाद में तो वो आपको देखने को मिलेगा, इसका ये फ़ायदा। इतने बड़े बड़े अपडेट हैं इसके अंदर, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आगे क्या अपडेट है ये मैं बता देना चाहूँगा आपको, अभी जो जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं वो आप एक मेन पर्सन पे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अगर मान लो आप किसी के साथ चैटिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसका मैसेज आए उसको सीन भी करें और रिप्लाई ना भी करें, मतलब कि सीन करके रिप्लाई भी कर दें, आप उसकी मेन सेटिंग को भी कर सकते हैं। जैसे कि आप एक पर्सन की करना चाहते हैं, वो जो मैंने सेटिंग बताई वो सभी की होगी, तो यहाँ पे आप एक मेन पर्सन को उठा सकते हैं, जैसे कि हाइड कर सकते हैं ब्लू टिक, हाइड कर सकते हैं सेकंड टिक, जब वो मैसेज करेगा उसके पास सिंगल टिक से होगा, और आप मैसेज वो मैसेज करने के बाद आप सीन भी कर लोगे तो वहाँ पे ब्लू टिक नहीं आएंगे। और यहाँ पे आप सभी सेटिंग कर सकते हैं, हाइड जब आप टाइपिंग कर रहे हैं किसी के साथ, और आप उसको भी हाइड कर सकते हैं ताकि आगे वाले को पता ना चले। और हाइड व्यू स्टेट्स, आप एक पर्सन का भी स्टेट्स व्यू हाइड कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं उसका स्टेट्स भी देख लूँ और आगे वाले को पता भी ना चले। और यहाँ पे डिलीट मैसेज ऑटो, मतलब कि कोई भी मैसेज करे आपको और उसको डिलीट कर दे, आप इनको ऑन कर सकते हैं, ये सेटिंग्स हैं बहुत अच्छी, ठीक है। अभी आपको
क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी अगर आपका कोई और भी अपडेट चाहते हैं, कोई भी आप अपडेट चाहते हैं, आपका कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।